जब एक समय ऐसा था कि हम नासा पे भरोसा करते थे, उनके भरोसे चलते थे, ये बड़े गर्व की बात है कि आज ये हमारी उपलब्धि भारत में है और भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई कि सफल लैंडिंग हो आज। वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ को लेके। चंद्रयान 2 नहीं मून पर लैंड कर पाया, लेकिन उससे हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखा है। आज भारत के लोगों के लिए काफ़ी गौरव और हर्ष की बात है। आज भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है। हम लोग जनसंदेश में ही हैं और यहाँ पे जो ऑफिस के लोग हैं उनके अंदर भी काफ़ी उत्साह है। उनसे हम जानेंगे कि उनका उत्साह कितना है, किस हद तक है, क्योंकि काफ़ी सुबह से बात हो रही है हमारे ऑफिस में चंद्रयान 3 को लेके, क्योंकि चंद्रयान 2 जो था वो लैंडिंग करने में असफल रहा था और ये चंद्रयान 3 जो है उसके लिए काफ़ी दुआएं भी हो रही हैं, काफ़ी कामनाएं लोग लगा रहे हैं। और हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। आलोक जी, कैसा लग रहा है आज चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करने वाले? पूरे देश में इस चीज़ को लेके उत्साह है और देश के साथ साथ मेरे अंदर भी उत्साह है और तमाम देश के जितने भी वैज्ञानिक हैं हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं कि सफल लैंडिंग हो आज। वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ को लेके और जहां तक मुझे लगता है उनकी बातों को देख के कि इस बार सफलता हासिल होगी वैज्ञानिकों को। जी कांता सब यही कर रहे हैं कि इस बार सफलता हासिल होगी। 5:15 से 6 की जो टाइमिंग है चंद्रयान के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी लोग हैं। आकाश, कैसा लग रहा है आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंडिया के लिए पूरे बहुत प्राउड मोमेंट है। और जैसा कि हम सबको ही पता है कि अभी चंद्रयान 2 लास्ट में जो अभी फेल हुआ, चंद्रयान 2 नहीं मून पर लैंड कर पाया, लेकिन उससे हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखा है और अब मुझे लगता है कि इस बार हम लोग चंद्रयान 3 जरूर उस पर लैंड करेंगे चांद पर। सबको उम्मीद है, सबको इसी चीज की कामना है कि देखिए इस बार जो है चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के सतह पर उतरेगा। और काफी लोगों के अंदर उत्साह भी है। हम चलते हैं और भी हमारे ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनके अंदर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं, चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पे उतरने वाला है, कितना उत्साह है आप लोगों का? बहुत उत्साह है। आज हमारे देश का नाम जो है पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस होगा, इसको लेकर के हम लोगों को बहुत उत्साह है। ठीक है विवेक भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया है। आज चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पे उतरने वाला है, काफी सुबह से बात हो रही है, इस पे चर्चा हो रही है, कितना उत्साह है आप? बस देश के लिए बहुत उत्साह की बात है। देश के वैज्ञानिकों के लिए क्या कहेंगे आज? बस उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा जाएगा। आपको कैसा लग रहा है अतुल भाई? आज चंद्रयान हो रहा है इसके लिए बहुत खुशी है और हमारे पूरे देश से बच्चों से लेके बड़े सब जितने बुजुर्ग लोग हैं उत्साह मना रहे हैं कि शाम को आज चंद्रयान लैंड होगा दक्षिणी ध्रुव पे। इसी को लेके आज जो स्कूल है वो शाम में भी खुले हैं। हाँ, शाम में खुलने के आदेश दिए गए, सभी बच्चों को दिखाया जाए जिससे आने वाले समय में जानकारी रहे, उत्सुकता रहे और वैज्ञानिक जो कर रहे हैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए काफी उत्साह है जनसंदेश की टीम के अंदर भी। सर आज चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है। जी, ये तो जो है देश के लिए बड़ी उपलब्धि है चंद्रयान 3 के लिए। जब एक समय ऐसा था कि हम नासा पे भरोसा करते थे, उनके भरोसे चलते थे, ये बड़े गर्व की बात है कि आज ये हमारी उपलब्धि भारत में है और भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारा भारत जो है कि वाकई में विश्व गुरु बनने के, या यूँ कहिए कि बन गया है, बस लोगों को मानने की जरूरत है। भारत विश्व गुरु बन गया है, बनने के करीब है। देखिए कितना उत्साह है आम जनता के अंदर, काफी उत्साह है। आज उत्तर प्रदेश में स्कूलों को शाम में खोला गया है कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है चंद्रमा पे उसको दिखाया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हर्ष उल्लास है और इसको लेके दुआएं करी जा रही हैं। मदरसों में दुआएं हो रही हैं, मंदिरों में इसके लिए पूजा हवन हो रहा है कि चंद्रयान 3 जो है वो सही सलामत इस बार चंद्रमा पे लैंड कर जाए। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।